जनपद मथुरा के ग्रामीण क्षेत्रों से भी अब प्रतिभाएं उभरने लगी हैं। वहीं जनपद के गांव जावली के रहने वाले एक युवक ने नेशनल चैंपियनशिप मेरठ में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता का और गांव का नाम रोशन किया। गांव जावली के रहने वाले आकाश कटारा ने ब्लॉक स्तर से खेल की शुरुआत की थी। अपनी कड़ी मेहनत से आज वह नेशनल चैंपियनशिप में पहुँच रहे हैं। वहीं मेरठ में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें आकाश कटारा ने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया और जनपद मथुरा का नाम रोशन किया। वहीं गांव पहुंचे खिलाड़ी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे क्षेत्र से यह पहला खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडल लेकर आया है। यह हमारे क्षेत्र से खिलाड़ी नहीं, एक हीरा निकला है जिसकी चमक निराली है और यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने लड़के के लिए कैसा यानी कि फील कर रहे हो आप? खूब खूब बढ़िया। किस मनोकामना क्या कर रहे हो? हम खूब आगे बढ़े साहब, देश का नाम रोशन। इससे पहले कितनी बार जीत गए हैं? दो पोत तो लाए हुई है। अच्छा, अब ये कौन सी जगह से मेडल जीता है? मेरठ। सर, मैं लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल लाया हूँ नेशनल में। कहाँ से जीते हैं वो? सर, मेरठ, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मेरठ। कब से खेले हो? सर, मैं ब्लॉक से लेकर अब नेशनल तक पहुँचा हूँ, 5 साल हो गए। 5 साल से खेल रहे हो? हाँ सर। आपके कोच है, कौन है कोच? सर, मेरे कोच रविंद्र कुमार। अच्छा, आपका इस खेल में गोल्ड मेडल जीतने का आप किसे श्रेय देना चाहोगे? सर, मैं पहले तो अपने माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ, फिर मैं अपने गाँव वालों को, फिर मैं अपने कोच साहब को। कैसा लग रहा है आपका जैसे गांव वालों ने स्वागत किया है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी जीत के आए हो, पहले भी कई? सर, मैं अभी 2 महीने पहले लगभग और जीता था गोल्ड मेडल नेशनल में।